अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपको नए दिन और नई रेसिपी के साथ कुकिंग स्पॉट चैनल के ऊपर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी शानदार सी मैंगो डेज़र्ट। बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो मैंगोज़ ले लिए हैं, इनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंगोज़ को हम छील लेते हैं। बहुत ही मज़े की और बहुत ही स्वीट सी ये रेसिपी तैयार होगी ओनली टू इन्ग्रीडियंट्स के साथ। तो एक तो मैंने ले लिया है फ्रेंड्स, मैंगो की कटिंग मैंने कर ली है, इसमें से मैंने निकाल लिया। अब एक मिक्सर ले लिया, इसमें शामिल कर लेते हैं मैंगो चंक्स। इसकी प्यूरी बना लेनी है हमने। टू टेबल स्पून भर के इसके हम शुगर में शामिल करेंगे शुगर के, और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, मैंगो प्यूरी मैंने तैयार कर लिया, बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी कंसिस्टेंसी बनी है। इसको हम साइड पर कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर ले लिया टेट्रा पैक क्रीम, जिसको मैंने फुल चिल किया हुआ है, इसमें हल्की हल्की सी बर्फ़ है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। डिब्बे वाली क्रीम ली है यहाँ पर, आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, हैवी क्रीम यूज़ करना चाहे वो भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, या फिर आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्सअप करेंगे, फ्लफ़ी सा इसे बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा करके हम जो मैंगो प्यूरी हमने रेडी की है शामिल करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़बरदस्त मिक्स कर लेंगे अगेन। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा। शामिल कर लेते हैं। मज़ीद इसे मिक्स कर लेंगे। क्रीम और मैंगो प्यूरी दोनों अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। ये तो फ्रेंड्स ये मिक्स हो चुका है अच्छे से, इसको हम फ्रिज में रख देते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस है वो कर लेते हैं। कोई फूड कलर इसमें शामिल नहीं किया, ऑथेंटिक इसका टेस्ट है। और चीनी मैंने इसके अंदर प्यूरी में शामिल कर दी थी, इसमें मज़ीद मैंने शामिल नहीं की। आप अगर मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो इसमें शामिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो मैंगो चंक्स बचा लिए थे स्टार्ट में, मैंने आपको बताया था मैंगो प्यूरी बनाने से पहले कि इसमें से हम मैंगो चंक्स हैं वो रख लेंगे थोड़े से, और वही मैंने ये बचा लिए हैं। साथ ही मेरे पास यहाँ पर मैंने लिया एक फ्रूट केक। आप यहाँ पर अपनी चॉइस का कोई भी केक ले सकते हैं, प्लेन केक भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फ्रूट केक लिया, इसका मैं यूज़ करूँगी। बिस्किट्स भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन मैंने यहाँ पर केक लिया है, यही यूज़ करेंगे। इसको कर देते हैं साइड पर, और एक ले लेते हैं सर्विंग बाउल, जिसमें हमने अपना मैंगो डेज़र्ट है असम्बल करना है। प्यारा सा एक बाउल ले लेते हैं। बाउल मैंने ले लिया, यहाँ पर हम सबसे पहले जो केक है हमारे असेंबल कर लेते हैं वन बाय वन करके, इस तरह से पूरे बाउल में हम सेट कर लेंगे। अच्छे से हमने इसको कर लेना है, बाकी के इस तरह से कर लेते हैं। इजीली ये यहाँ पर असेंबल कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे। चलें जी, कुछ मैंगो चंक्स इसके ऊपर डाल देंगे हम। अब इसके ऊपर जो हमने मैंगो प्यूरी और क्रीम का मिक्सचर रेडी किया है शामिल कर देंगे। अच्छे से इसको स्प्रेड करेंगे। बाकी का जो हमने बचा लिया है वो भी शामिल कर देंगे अच्छे से। चारों तरफ इसको फैला देते हैं। अच्छे से इसको पकड़ के टैप कर लेंगे। इसके ऊपर जो हमने मैंगो चंक्स थोड़े से बचाए थे वो फिर से डाल देंगे। मैंगो चंक्स मैंने इसके ऊपर डाल दिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा और यम्मी सा ये लग रहा है। और लास्ट पर इस पर डालेंगे हम मैंगो प्यूरी, कहीं कहीं कुछ कुछ ड्रॉप्स इसके शामिल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, फाइनली तैयार है मज़ेदार सा मैंगो डेज़र्ट, जिसकी रेसिपी आप लोगों से मैंने शेयर की है। 3 इन्ग्रीडियंट हमने ये बनाया है बहुत ही आसानी से, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बन जाता है, और टेस्टी
बनता है, आप भी ज़रूर इसे ट्राई करें। मैंगो डिज़र्ट की फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे लाजमी बताना है। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।